प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय योग्य शक्ति और साहस हम सब में निहित है। आवश्यकता है बस उन्हें जगाने की। दोस्तों, हम जो जैसा है उसे वैसा देख पाते हैं क्या? दो दोस्त आराम से बैठे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, वृक्ष की झूमती डालियों को देख रहे थे। इतने में पीछे से गुरुजी आकर खड़े होकर उन्हें देखने लगे और पूछा, क्या चल रहा है बच्चों, क्या देख रहे हो? एक ने जवाब दिया, गुरुजी हम झूमते पेड़ों को बढ़िया हवा देते देख रहे थे। दूसरे ने कहा, मैं उस लहराते झंडे को देख रहा था। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, न तो पेड़ हिल रहा है और ना ही झंडा, अपना मन ही है जो हिलोरे लेता है। तो मन ही सारे खेल दिखाता है, हम वही देखते हैं जैसा हमारा मन देखना चाहता है। हम एक ही बात का अपनी अपनी सोच के अनुसार अलग अलग अर्थ निकालते हैं, जैसा है वैसा नहीं देखते। वृत्तियां लहरों की तरह उठती हैं, परंतु लहर लहर नहीं पानी ही होता है। मन ही उन्हें लहर, फेन, बुदबुदे और सागर का नाम देता है। हम देखते हैं, जानते हैं कि पानी है, लेकिन मानते हैं पानी छोड़कर सब कुछ। उसी प्रकार सुनते हैं, बुद्धि से समझते हैं कि सब परमात्मा है, फिर भी जगत मानते हैं, है ना विडंबना? अम्मा कहती हैं कि हम हाथी को हाथी की तरह देखें और मेढक को मेढक की तरह, जो चीज जैसी है उसे वैसा ही देखें। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും ജയിക്കുന്ന ശക്തിയും വീര്യവും നന്മയും ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഉള്ളിലുണ്ട്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്। पहले अम्मा प्रति सप्ताह एक पूरा दिन अपने गृहस्थाश्रमी बच्चों को भी मौन रखवाती थी। तब बहुत से बच्चों ने बताया कि वे मुंह खोलने से पहले सोचते थे कि आज मेरा मौन तो नहीं। सोच में एक जागरूकता आ गई, अब वे बोलने में सचेत रहने लगे। मन संयमित ऐसे होगा, कंट्रोल में ऐसे ही आएगा मन। हम देखते हैं किसी पर गुस्सा आए तो बाद में मन शांत होने पर गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, अधिक स्पष्ट दिखता है। अरे, तब गुस्सा करता तो अनर्थ हो जाता, अब समझ में आ रहा है, कई बच्चे कहते हैं।
ऐसा करो, अपनी डायरी में नोट करो, आज के दिन मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरा गलत भी हो। ऐसा होना चाहिए हमारा संकल्प। अपने विचारों और कर्मों के प्रति हम जागरूक रहें। प्रयत्न सच्चा हो तो हम बुरी आदतों को बदल सकते हैं। ध्यान जप जैसी साधनाएं इस दिशा में सहायक होती हैं। बहुत से लोगों को रोज शराब पीने की आदत होती है, पर शबरीमला यात्रा के पहले 41 दिन छूते तक नहीं। ये लत छोड़ने के लिए उन्हें हॉस्पिटल या रिहैब क्लिनिक में भर्ती करें, फिर भी छूटती नहीं। पर उन दिनों वे स्वयं ही नहीं पीते। इससे सिद्ध होता है कि मन में कुछ भी बदलने की शक्ति है। अटूट भक्ति और विश्वास से उन्हें अपने व्रत पर टिके रहने की शक्ति मिलती है। लक्ष्य की स्पष्टता से वैराग्य का उदित होना स्वाभाविक है। लक्ष्य स्पष्ट है तो मार्ग में स्पष्टता का आना अवश्यंभावी है। सहजीवियों के प्रति करुणा का अभ्यास द्वारा विकास करना चाहिए। हमारे अंदर प्रेम जागृत करने में सत्कर्म सहायक सिद्ध होंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय योग्य शक्ति और साहस हम सब में निहित है। आवश्यकता है बस उन्हें जगाने की। जर्मनी की एक बेटी ने अपने जीवन की एक सच्ची घटना अम्मा को बताई। एक स्कूल में दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाती है वो। कई देशों के रिफ्यूजियों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। एक दिन वो उन्हें क्लास में फ्रैक्शंस पढ़ा रही थी। वो आधा कितना और एक चौथाई कितना होता है इसके बारे में सिखा रही थी। फिर टीचर ने बच्चों से पूछा, मैं तुम्हें चॉकलेट के टुकड़े दूं तो तुम आधे में से और चौथाई में से किसे चुनोगे? बच्चे चट से बोले, चौथाई को। टीचर को लगा शायद इन्हें समझ नहीं आया कि आधा चौथाई से ज्यादा है, फिर से सिखाना पड़ेगा। दोबारा सिखाने के बाद उसने पूछा, तुमने चौथाई ही क्यों चुना? बच्चों ने उत्तर दिया, टीचर हमने चौथाई चुना ताकि उन्हें भी मिल जाए जिन्हें अब तक नहीं मिला, इसीलिए चौथाई। ये घटना सुनाते हुए इस बेटी की आंखें नम हो आईं। बच्चों के हृदय तो देखो, इन बच्चों को भर पेट खाने को नहीं मिलता था, फिर भी उनके मन में दूसरे बच्चों को देने का विचार आया। हम बड़ों में से कितने ऐसा सोचते हैं। हर मन में ऐसी करुणा का उदय हो तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। उत्सव का विचार ही हमारे हृदय को उत्साह से भर देता है। पर सोचो, ये उत्साह हमेशा क्यों नहीं बना रहता? प्रतिदिन मेरे बच्चों सोचा करो, मेरे शेष जीवन का पहला दिन है आज, इसलिए आज मैं इसका सदुपयोग करूंगा। इससे हमारा उत्साह नित्य प्रति बना रहेगा। आशा न छोड़ने वाला हृदय और प्रफुल्लित मन हो तो नयापन और प्रसन्नता सदा बने रहेंगे। प्रेम, मैत्री और संतृप्ति इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे सब बच्चे विश्व में प्रेम और शांति के दूत बन जाएं। सबके जीवन में शांति और सुख का वास हो। कृपा और अनुग्रह बरसे।
शैंपेन सिटी को लिटिल वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। नदियां नहरें सारे शहर में हैं और बहुत से लोगों को शहर के जलमार्गों के खेलों में आनंद आता है। कई लोग शैंपेन की वास्तुकला का मजा लेते हैं, पुराने चर्च और ऐतिहासिक भवन और कैसे प्रकृति उनके साथ समाहित है। लेस जॉर्ट्स, जिसे सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, में प्रकृति, हरियाली, जलाशयों और वनों का सम्मिश्रण है। पेरिस की विश्वविख्यात आइफिल टावर का नाम गुस्ताव आइफिल नामक इंजीनियर के नाम पर पड़ा, जिसने इस 1083 फुट ऊंचे टावर को डिजाइन किया था। आइफिल टावर में 3 तल हैं। पहले तल पर म्यूजियम है। इसका कांच का फर्श प्रदर्शनी को बदलता रहता है। सविनय शॉप्स और रेस्टोरेंट भी हैं दूसरे तल पर, और भोजनालय व दुकानें हैं। एक जूल्स वेर्ने रेस्टोरेंट और एक ऑब्जर्वेशन एरिया भी है। ऊपरी तल से पूरे पेरिस शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ऊपर लाइटिंग और आतिशबाजी भी बहुत आकर्षक होती है। अम्मा दूसरी बार शैंपेन आ रही हैं। फ्रांस के उत्साहित भक्त हॉल की खूबसूरत साज सज्जा करके अम्मा के सुस्वागत की सहर्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं। अम्मा के प्रवेश के साथ ही हॉल अलौकिक आनंद से भर गया। Stars twinkling brightly in the skies. She's the mother of the mountains, rivers, oceans, and fountains. She's the mother of creations. She's the mother of all nations. She's the mother of humanity. She's the mother of you and me. अपने स्वागत संभाषण में Points of Viewer Publishing के निदेशक Andrew Cock ने कहा, Je voudrais commencer par un mot magique. आज मैं यहाँ एक ऐसा चमत्कारी शब्द बोलने वाली हूँ जिसने हम सबको एकजुट कर रखा है, और वो है विश्वास। इस विश्वास ने ही अम्मा को फ्रांस में हर वर्ष आने को प्रेरित किया है। यही विश्वास है जो सभी स्वयंसेवियों को एक ही रात में सब तैयारियां पूरी करने की शक्ति देता है। आपका विश्वास ही आपको यहाँ खींच लाता है। अंततः यही आपका आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। दर्शन का अर्थ एक आलिंगन मात्र नहीं है, ये एक द्वार है, प्रेम द्वार, दूसरों की ओर खुलने वाला द्वार। इसका श्री गणेश अम्मा के हाथों होता है, परंतु उसके बाद स्वयं आपको प्रयत्न करना होगा। अम्मा सबके साथ ध्यान में बैठती हैं, तो भक्तजन भी पूरे मनोयोग के साथ भाग लेते हैं, ये जानते हुए कि ये आत्मज्ञान का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने जीवन निर्वाह के कार्य। प्रियायै नमः ॐ भक्तिगम्यायै नमः ॐ भक्तिवश्यायै नमः। हम भले ही अलग अलग तरह से बड़े हों, पर संसार की मैल चढ़ने से पहले बचपन में हम सब में एक सी निष्कलंकता होती है। अम्मा के दर्शन में, स्नेहपाश में आने वाले दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर एक जैसी बाल सुलभ निष्कलंकता दिखाई पड़ती है। Trouver l'envie, ôter les mauvaises traces, juste chanter pour toi, sortir de cette impasse. Libre de moi, libre de nous, et avec toi, libre de tout. Libre de moi, libre de nous, et avec toi. अम्मा की एक छोटी बच्ची ने बड़े प्यारे ढंग से निस्वार्थ सेवा की। टी स्टॉल की सेवा उसने बड़ी दक्षता के साथ निभाई।
इस कला के बारे में सब कुछ सीखकर उसने सारे काम का बहुत सुंदर वर्णन भी किया। इससे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिली। उसने कहा कि अम्मा जरूरतमंद लोगों के लिए संस्थाएं बनाती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं। मैं अम्मा द्वारा की जाने वाली सेवा कार्यों का भाग बनने के लिए सेवा कर रही हूँ। मैं अम्मा से पहली बार 2014 में मिली और एकदम से आकर्षित हो गई। तभी मुझे लगा कि अम्मा मेरी गुरु है। तब से अम्मा मेरी मार्गदर्शिका, रक्षकी और मेरी दुनिया है। अम्मा मनुष्य शरीर धारण किए प्रेम मात्र है। मैं उनके वचनों को समझती हूँ और इन ज्ञान के मोतियों से आनंदित होती हूँ, क्योंकि वे इतने सीधे सादे और सरल होते हैं। लेकिन अफसोस, मैं अभी तक सचमुच जागृत नहीं हुई। हमें शायद लगे कि अम्मा हमारे बहुत करीब है, लेकिन यह भी सच है कि वो दुर्लभ है। यह अम्मा की विशेषता है। फ्यूजन म्यूजिक की प्रतिभा संपन्न गायिका मेरी फिलोमिना के गायन से हॉल स्पंदित हो उठा। उन्होंने ओम नमः शिवाय भजन को एक नया रूप दे डाला। मिसेस फिलोमिना लाज संग को छोड़कर ईश्वर की प्रशंसा में पूरे दिल से अम्मा के लिए गाती हैं। अम्मा के प्रस्थान के समय के भाव का वर्णन करना कठिन है। उन्होंने गत 3 दिनों के कार्यक्रम में सबको इतना प्रेम और आनंद दिया है। अम्मा के भक्त भली भांति जानते हैं कि अम्मा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये उपहार देती हैं। तो उनकी विदाई के समय आभार एवं गहरे दुख की मिश्रित भावना होती है। अगले शहर में जाते समय इन भक्तों का प्रेम अम्मा के साथ साथ चलता है। Et tu es là dans mon souffle, dans ma voix. Et tu es là à ma tout au fond de moi. Et tu es là. Je pense à toi.